नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। ये वीडियो आज संडे का ही है। काफी हेक्टिक रूटीन होता है मम्मियों का संडे में स्पेशली, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है और हमारे एडिशनल काम हो जाते हैं। एडिशनल काम जैसे कि आज कुछ स्पेशल बनाओ, छोले भटूरे बनाओ। ये पहले दही देखिए आप, काफी सारे कॉमेंट्स थे मेरे पास कि नेहा ठंडियों में दही कैसे बनाएं। तो दरअसल जो दही है वो ठंडी में बनाने के लिए आप किसी कैसरोल का इस्तेमाल कर सकती हैं, एयरटाइट डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये जो दही है ना, इसमें एक हरी मिर्ची डाली थी, कारण बाजार वाली दही से मैंने इसे बनाया है। बाजार वाली दही में ना एक चिपचिपापन सा होता है, एक स्टिकीनेस सी होती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। उसी को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक हरी मिर्ची डाली, दही एकदम परफेक्ट बनी थी। ठंडी में दही बनाने के लिए आप दही को कैसरोल में डालकर कवर करके रखेंगे ना, परफेक्ट गाढ़ी दही जमेगी आपकी, ठीक है जी। तो संडे के दिन मुझे कुछ स्पेशल बनाना था आज। कारण क्या है मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने उठ के आलू वगैरह उबाल दिए थे, मैंने पूरे घर की सफाई की, पूरी ही फैमिली ने आज अच्छे से मिलके सफाई करी पूरे घर की। फिर नहा धो के मैं किचन में आई, हस्बैंड ने आलू उबाल दिए थे, मेथी वगैरह धो के उन्होंने रख दी थी। तो मैंने मेथी ली, मैनुअल चॉपर में चॉप किया मेथी को, एकदम फाइन चॉप कर लिया। आलू घस लिए मैंने, साथ में मैंने अदरक का टुकड़ा घिसा, ठीक है जी। एक बड़ी परात पे मैं सारी चीजें घिस रही हूँ। उसके बाद मैंने आटा लिया गेहूं का, इसमें डाला मैंने 2 टेबल स्पून दही, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और हींग डाला है 2 चुटकी भर के, और नमक स्वाद के हिसाब से डाला है। अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून सत्तू, बेसन भी डाला जा सकता है, सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और प्योर लकड़ी घानी ब्रांड का सेसमे ऑयल, या तो तिल का तेल डाले। ठंडियों की ये रेसिपी है, मेथी की रेसिपी है, पहली बार बना रही हूँ। कई बार ये बन जाती है मेरे घर में, पर चूंकि यहाँ पर मेथी महंगी है, इतना इजिली मिलता भी नहीं है, लेकिन इतनी शानदार ये रेसिपी है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। तो मैंने इसमें सेसमे ऑयल डाला है, तिल का तेल, अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो तिल भी डाले जा सकते हैं, सफ़ेद तिल डालो, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। सर्दियों में आपको तिल का तेल खाना चाहिए, हेल्दी होता है। सर्दियों में अक्सर ये पराठे हर घर में बनते हैं, पराठे पूरी जो भी है, तो इनमें आप ये सेसमे ऑयल डालेंगे ना तो गजब का स्वाद आएगा। मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, मैंने वैभव को आवाज़ लगाई, वो मेरा हेयरबैंड लगा के चला गया। और ये देखिए मैंने आटा भी तैयार कर लिया, आटे को रेस्ट करा दूंगी, तब तक इसके लिए एक चटनी बनाऊंगी, बहुत ही शानदार चटनी। टमाटर ले लीजिए, थोड़ा हरी मिर्ची धनिया डालिए मैनुअल चॉपर में, 1 मीडियम साइज का प्याज डाल दीजिए, और एक उबला हुआ आलू लिया था जिसका 1/4 हिस्सा मैंने इसमें डाला, जरूर डालना है आपको, और बस अच्छे से इसे घिस लीजिए। और ये हमारी बहुत टेस्टी, बहुत शानदार चटनी, जिसे खाने के बाद आप ये बोलोगे कि नेहा मजा आ गया। अब इस चटनी में थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, और एक बड़े साइज का नींबू था जिसका आधा रस इसमें ऐड करेंगे, बीज निकाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एज सच इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं, नहीं तो हमारी चटनी का जो ऑर्गेनिक फ्लेवर है, नेचुरल फ्लेवर है, वो नहीं आएगा। तो हमारी चटनी बनके तैयार है, बहुत ही शानदार, बहुत टेस्टी। ट्रस्ट मी, आप सब्जी नहीं खाएंगे इसे बनाने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको टाइम नहीं है और आपको खाना बनाना है, तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकती हैं। मैंने मेथी के साथ बनाया है, आप पालक के साथ बना सकते हैं, जो इजीली मिल जाए बना लीजिएगा, लेकिन मेथी के साथ इसका स्वाद, ओ माई गॉड, आई कॉन्ट टेल यू कितना बढ़िया आता है। तो बस आटे ने 10 मिनट रेस्ट किया, मैंने कढ़ाई में तेल डाला, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी। आज हमें बाहर जाना है, वी ऑल आर इन्वाइटेड, प्लस मुझे कैंटीन का काम है, मुझे लड्डुओं का ऑर्डर है, मुझे बहुत सारे काम है। तो आई थॉट कि सब्जी या दाल चावल बनाने से अच्छा है कुछ क्रिस्पी सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा नाश्ता बनाया जाए, जिसे खाने के बाद लंच की भी इच्छा ना हो। तो बेसिकली ये मैंने 12 बजे के करीब बनाया था, ब्रंच ही ये हो गया है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, ये छोटी छोटी लोइयां मैंने निकाली इसमें से, और इनको मैंने बेल लिया, और इनको मध्यम आंच पर हम फ्राई कर लेंगे, एकदम सुपर क्रिस्पी, इतनी टेस्टी, यकीन नहीं करेंगे आप खाने के बाद कितना मजा आपको आने वाला है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ किया, और सबसे ज्यादा जो मुझे आज तारीफ मिली थी वो थी उस चटनी के लिए, जो बहुत शानदार बनी है। पूरियां मध्यम आंच पर ही सेकनी है, इनका जो स्वाद है आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना बढ़िया खस्ता कचौरी आप खा रहे हैं। कोई भी पूरी ऐसी नहीं होगी जो फूली ना हो। मैंने पूरियां बनाई हैं
ट्रैवलिंग के लिए पूरियां बहुत बेस्ट होती है। गैदरिंग में आपको बनाना है तो ये पूरियां बनाइए, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सारी पूरी फूली फूली बनती है, कारण हमने सारी चीजों को मैनुअल चॉपर में चॉप किया है, आलू को कद्दूकस किया है। स्वाद इनका इतना बढ़िया आता है, कलर देखे कितना शानदार आया है। इसमें जीरे का, अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जो हमने इसमें हींग डाला है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो हस्बैंड चाय बनाने के लिए आ गए थे, ईशु गोलू जो है नहा धो रहे थे और मैं यहाँ पर खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे कैंटीन निकलना है खाना खाते ही तुरंत। उसके बाद शाम की तैयारी करनी है, और उससे भी ज्यादा जो टेंशन है वो है मेरे लड्डू का। कल आज संडे है तो आज के दिन लड्डू नहीं जाते हैं, तो मैं संडे के दिन फिर बनाती हूँ। और ये देखिए जी, हमारी थाली लग चुकी है। संडे का ब्रंच, ब्रेकफास्ट, वाट एवर कुछ भी आप बोले, इतना शानदार ये बनता है, बहुत ही बढ़िया। तो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये पूरियां। मैंने पूरियां बनाई हैं, आप चाहे तो इनके पराठे कर सकते हैं, रोटियां कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए एकदम बेस्ट है। काफी हेल्दी पूरियां हैं ये, एकदम फुली फुली, बहुत टेस्टी। बनाना जरूर, और बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना। और ये देखिए चटनी कितनी शानदार बनी है, खट्टा मीठा तीखा सा इसका टेस्ट इन पूरियों की का जो टेस्ट ना उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्या आपके घर में भी संडे के दिन स्पेशल बनाने की डिमांड होती है। मुझे लगता है कि ये हर घर में होता है, संडे का सब वेट करते हैं कि भाई संडे को तो छोले भटूरे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे या फिर गोल गप्पे खाएंगे। मेरे घर में स्पेशली ऐसे ही होता है, तो आज मैंने ये रेसिपी बनाना पसंद किया क्योंकि मुझे बाहर जाना है। अगर मुझे रात का खाना घर पे खाना होता तो ऑफकोर्स मैं कुछ अच्छा बनाती, लेकिन ये वाला जो खाना मैंने बनाया है ये इतना पसंद मेरे घर वालों को आया है, मुझे आज ही बोल दिया गया है कि कल के टिफिन में यही बनाकर देना। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं दोनों, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। बाय द वे, आज का कमेंट है भावना निगम जी का, जो लिखती है, नेहा दी आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, देखते हैं सभी रेसिपी ऑसम होती है, आपकी बातें और हर मैसेज का जवाब देना तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच भावना जी, आप कानपुर से मुझे देख रही है, थैंक यू सो मच। दूसरा कमेंट शर्मिला पोल जी का, प्यारी बहना लव यू, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, लुकिंग वेरी प्रिटी, लव यू एंड ऑल योर प्रिपरेशन। शर्मिला जी रेगुलरली मेरी वीडियोस वॉच करती हैं, लाइव में भी हमेशा आती है, हमेशा ही मुझे प्यारी बहना कहकर संबोधित करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच शर्मिला बहना, आई लव यू ऑल। तो आप में से जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, आपने कोई सी रेसिपी अगर बनाई है तो उसका परिणाम कैसा मिला है, कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें, आपकी इच्छा है तो लिखकर बता सकते हैं। बाय द वे, ये थी आज की मेरी थाली जो मैं अब अपने लिए लगा रही हूँ। जो आलू मैंने इसमें डाला था भाई, कम्प्लीटली चेंज कर दिया था उसने इस चटनी का स्वाद। ना इसे पकाना है, ना इसे छोकना है, सिंपल सी ये चटनी किसी भी प्रकार के पराठे पूरी का स्वाद चार गुना बढ़ा देगी। ट्राई करिएगा दोनों रेसिपीज, स्पेशली संडे के दिन जब घर वाले कहें कि नेहा या ममा कुछ अलग बनाना। ठीक है जी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जा रही हूँ कैंटीन, कैंटीन से घर का सामान लेकर आना है, काफी सारा सामान खत्म हो गया है। बाय द वे, खाना खाने के लिए मैं आ गई थी बाहर, और जैसी मैं बाहर आई मेरा गुस्सा, ओ माय गॉड, इतना काम फैला देते हैं बच्चे। इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए, सोफे पर ही सारे छिलके वगैरह फैला दिए। आपके घर में भी ये होता होगा, और किसी को कोई परवाह ही नहीं है, ना किसी को ये मतलब होता है कि अरे अभी अभी सफाई की है मम्मा ने, अभी अभी घर का काम किया है, तो ऐसा ना करें। कितना भी मैं रूल बना लूं कि कटोरी लेकर ही सब कुछ खाना है, बट नहीं, बच्चे मानते ही नहीं है। ये कहानी हर घर की होती है। एनीवेज जी, मैं अपना यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट जो भी है कर रही हूँ, अच्छे से, बहुत मजा आया मुझे। हर बाइट के साथ ये निकल रहा था कि नेहा मजा आ गया। तो ट्राई करना ये मेथी की पूरी। बाय द वे, मैंने बहुत ज्यादा बनाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर मेथी बहुत महंगी है, तो मैंने एक बार ही बनाया, प्लस बीमार में ज्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा मेथी जाने ही वाली है, चलो चलो जाते जाते एक बार और बना ली जाए। एक बार क्या, पहली बार ही बनाई है मैंने, तो आप ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।